स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्वेशन 7 नंबर का सेकंड पार्ट आपका लेके आया हूँ। क्वेश्चन पूछा था कि मोहन गेट्स 5 4 करेक्ट आंसर एंड 2 इनकरेक्ट आंसर, और करेक्ट आंसर का मार्क्स 5 था और इनकरेक्ट आंसर का मार्क्स -2 था। मोहन गेट्स 4 करेक्ट आंसर कितना हो गया, 4 करेक्ट आंसर दिया, 5 में 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, 20 मार्क्स मिल गया मोहन को। इनकरेक्ट आंसर कितने दिए थे उसने, 6 इनकरेक्ट आंसर दिए थे, और प्रत्येक इनकरेक्ट आंसर का कितना मिलता था, -2 मार्क्स। इसमें 6 का 2 का मल्टीप्लाई करते 6 2 -12 मार्क्स हो गया। मोहन का स्कोर क्या रहा, 20 में 12 का माइनस कर दिए तो 20 में 12 माइनस हुआ तो 8 मार्क्स आ गए। फिर रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर कितना मार्क्स मिलता था, 5 मार्क्स, तो 5 × 5 मतलब रेशमा को कितने मिल गए, 25 मार्क्स। 5 इनकरेक्ट आंसर, रेशमा ने कितने इनकरेक्ट आंसर दिए, 5 इनकरेक्ट आंसर दिए, हमारे इनकरेक्ट आंसर का मार्क्स कितना था, -2, तो 5 2 -10 दोनों का रेशमा का स्कोर हम देखेंगे कितना, 25 -10 25 ± तो माइनस होता आपको मालूम है, तो 15 मार्क्स। हीना गेट्स 2 करेक्ट आंसर, हीना ने टोटल 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किए थे, तो 3 क्वेश्चन ऑलरेडी 0 मार्क्स हो गया। हीना गेट्स 2 करेक्ट आंसर, अब 7 क्वेश्चन में 2 करेक्ट आंसर दिए तो 5 मार्क्स मिलता था, 1 करेक्ट आंसर, 2 का मिला 5 2 10। 5 कितने दिए, इनकरेक्ट आंसर, 1 इनकरेक्ट आंसर का -2 मार्क्स, 5 इनकरेक्ट आंसर का -10 मार्क्स, तो हीना का स्कोर कितना हो गया, 10 ± 10 10 − 10 = 0, मतलब हीना के 2 करेक्ट आंसर थे तो 5 2 = 10, 5 इनकरेक्ट आंसर थे तो 5 × −2 = −10, एंड हीना स्कोर हो गया 10 ± 10 = 0 मार्क्स। और यही हमारा क्या होगा, सॉल्वेशन 7 का आंसर। थैंक यू।